हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज आ चुका है दोस्तों यहाँ पर रीट का एग्जाम पेपर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, जो कि आपको पूर्णतः क्रैक करना होगा, पूर्णतः यानी कि पेपर को तोड़ कर रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके अंदर दम है तो आज आजमा लीजिएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है पेपर को तोड़ने की। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पेपर को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, SST का पेपर है यानी कि सामाजिक अध्ययन का पेपर है, टोटल प्रश्नों की संख्या है 60 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो 45 वीडियो की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और प्रत्येक वीडियो में से आपको आपकी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर निकलना है, अगर मंजिल पानी है, अगर चुनौतियों का सामना करना है दोस्तों यहाँ पर, तो डट कर मुकाबला कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, पीछे मुड़कर नहीं जाना है। क्या पता आपके एक कदम के आगे आपकी मंजिल इंतजार कर रही है दोस्तों यहाँ पर, उस मंजिल का जो ताला है उसकी चाबी आपके हाथों में है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज मंजिल पा लीजिएगा, अपना सपना साकार कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, फिर मौका नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर। 4 साल में पहली बार ये मौका आया हुआ है दोस्तों यहाँ पर इतनी वैकेंसियों के लिए दोस्तों यहाँ पर। 26 सितंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है, तो प्लीज एक एक सब्जेक्ट को ले लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। आपकी 4 सब्जेक्ट है और चारों सब्जेक्ट के मैं अब टेस्ट पेपर भी डालने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर, और 45 वीडियो की सीरीज डालने वाला हूँ। जो भी हमने 1 साल के लिए रेट, 1 साल तक यानी कि रेट के लिए जो भी कुछ करवाया है, जो भी हमने अब बना रखा है दोस्तों यहां पर, वो समय आ चुका है अब आपको वो प्रोवाइड करने का दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, राजस्थान के किस जिले में बागड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर बांसवाड़ा डूंगरपुर या फिर गंगानगर बीकानेर या फिर अजमेर नागौर या फिर कोटा बूंदी में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो बागड़ी बोली बोली जाती है वो अपने दक्षिणी राजस्थान में बोली बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर, जिसके अंतर्गत यानी कि जो दक्षिण राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जिले है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इसमें बागड़ क्षेत्र होता है और बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत ये बोली बोली जाती है। अगला देखिएगा यहाँ पर, महाराणा प्रताप ने इस संसार से विदा ली थी, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा देखिएगा, सावरिया, पूगल, सोथी या फिर उपयोग सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, भाकड़ा नांगल सिंचाई परियोजना का किन राज्यों से संबंध है। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों यहां पर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा यहां पर, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहां बनाए जाते हैं राजस्थान में। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर में बनाए जाते हैं दोस्तों यहां पर, यानी कि जस्से से निर्मित होते हैं दोस्तों यहां पर, ये पानी की बोतलें बनाई जाती है दोस्तों यहां पर, तो बताना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा यानी कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर सभापति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है यहां पर ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों यहां पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला देखिएगा, नृत्य है दोस्तों यहां पर, बताइएगा करेक्ट आंसर देखिएगा, इंडोनी पणिहारी साकरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखते ही आंसर बताइएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कालवेलिया जाति के नृत्य है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जिले की तो ध्यान रख लेना, ये अजमेर जिले में सबसे अधिक किए जाते हैं दोस्तों यहां पर, ये नृत्य कालवेलिया जनजाति अजमेर जिले में रहती है दोस्तों यहां पर, और कालवेलिया जो है जनजाति के जो नृत्य है वो यहां पर किए जाते हैं अजमेर में। अगला देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र चमड़े द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, रमझोल,
अलगोजा, खजरी या फिर रवाज। तो आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर खजरी हो जाएगा, ये चमड़े से बना हुआ होता है दोस्तों, यहाँ पर खजरी होता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है यहां पर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, गुज्जर प्रतिहार शैली से बने हुआ निर्मित है दोस्तों यहां पर ये मंदिर किराड़ू का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये मंदिर कहां पर है, ये मंदिर है बाड़मेर में है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिला के सिर पर पहना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, टीका, झुमका या फिर बाली या फिर ओगनिया। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टीका महिला के सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला देखिएगा यहां पर, अदरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान रखता है, और प्रथम स्थान तो भारत रखता है विश्व में, और भारत में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, राजस्थान रखता है, ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिमल शाह ने करवाया था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान है दोस्तों यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, राजस्थान में किस नदी का अब्बाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी का है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है, कौन सी जलवायु अच्छी रहती है कपास की खेती के लिए, तो यहां पर बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भारत में उष्ण कटिबंधीय की जो जलवायु है वो कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, बताना होगा कौन से स्थान से निकलती है दोनों नदियां। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड से दोस्तों यहां पर गंगा निकलती है, और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र निकलती है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्था कौन सी है, रिको, काजरी, RFC या फिर राज सीको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, काजरी हो जाएगी, यानी कि मरुस्थलीय शोध संस्थान हो जाएगी दोस्तों यहां पर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो जिम्मेदारी है केवल मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए है दोस्तों यहां पर, काजरी का। अगला देखिएगा यहां पर, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है, बताएगा ना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौहान शासक विग्रहराज था दोस्तों यहां पर, विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौहान वंश से 100% एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहां पर, मेवाड़ का यहां पर गोहिल वंश, सिसोदिया वंश से भी एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक राठौड़ वंश पर ज्यादा ध्यान देना, इन तीनों वंशों पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, हमीर के विषय में विस्तृत विजय एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है, बताना होगा किस ग्रंथ से मिलती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि हमीर महाकाव्य से ये जानकारी मिलती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, बताएगा, दीनार,
कशाप्रण निस्क या फिर काकनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनार कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में सोने के सिक्कों को। अगला देखिएगा यहाँ पर हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद, आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजसमंद में है। अगला देखिएगा यहाँ पर पृथ्वीराज ने महोवा पर विजय प्राप्त कब की थी, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताएगा सभी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1182 में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर 1182 में पृथ्वीराज ने महोबा पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों, यहां पर चंदेलों को पराजित किया था दोस्तों यहां पर, लेकिन यहां पर 1196 में पुनः यहां पर चंदेलों ने यहां पर महोबा पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला देखिएगा यहां पर कौटिल के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन। तो दीजिएगा करेक्ट आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक जीवन पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचाए एक बार यहां पर सब्सक्राइब करो दोस्तों यहां पर, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंचाए, एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, ताकि पता चले कि किस किस स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक किया है। रेगुलर क्यूज करते हैं दोस्तों यहां पर, रेगुलर यहां पर वीडियो देखते हैं, वीडियो अटेंड करते हैं, किस किस की तैयारी अच्छी चल रही है दोस्तों यहां पर, तो प्लीज कर दीजिएगा, मात्र 5 सेकंड का समय है दोस्तों यहां पर आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत लोगों ने यहां पर सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में ऐसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था की शीर्ष संस्था है, बताएगा जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपरी संस्था है दोस्तों यहां पर, यानी कि यहां पर न्याय व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में शैव संप्रदाय की गद्दी कहां पर स्थित है, जोधपुर में, नारायणा में या फिर बाड़मेर में या फिर उदयपुर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में। जी हां दोस्तों उदयपुर में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, बताइएगा क्यों है, बाढ़ के मैदानों में, चौरस पठार में, ऊंचे दोआब में या फिर नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये नदी घाटियां है दोस्तों यहां पर, उनके आसपास भारत में सबसे अधिक आबादी विकसित है दोस्तों यहां पर, आबादी रहती है सबसे अधिक। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्यों रहती है, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक पानी की व्यवस्था मिल जाती है, उपजाऊ जमीन मिल जाती है खेती के लिए, अच्छा यहां पर उसकी जलवायु है, सब चीजें अच्छी मिल जाती है, इसलिए यहां पर नदी किनारे सबसे अधिक जनसंख्या का केंद्रित है। अगला देखिएगा यहां पर, संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है, बताएगा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति या फिर सांसद। तो दोस्तों जो संसद के जो विधायक, जो संसद के जो एमएलए होते हैं, वो होते हैं, वो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सांसद कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं राज्यों में, उनको दोस्तों यहां पर विधायक कहा जाता है, ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि गांधी जी इनमें से किसे जीवन मूल्य नहीं मानते थे, बताएगा अहिंसा, सत्य, प्रेम या फिर धन संग्रह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धन संग्रह को दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, बताना होगा कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाती थी वैदिक काल में, हिंदी, प्राकृतिक, पाली या फिर संस्कृत। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था वैदिक काल में। अगला देखिएगा हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंबल नदी पर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जवाहर, कोटा ये तो, और यहां पर राणा प्रताप सागर बांध ये तो हो जाएंगे राजस्थान में, और गांधी सागर एमपी में हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, हमारी संसद
मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? बताना होगा, कानून लागू करना, कानून तोड़ने वालों को दंडित करना, कानून बनाना या फिर पंचायतों के चुनाव करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनका जो मतलब है, जो मेन कार्य है संसद का, जो मेन कार्य है वो कानून बनाने का है। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर 32वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। ये यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों यहां पर, तो इसमें से मध्य अरावली की पूछी है दोस्तों यहां पर। ये तो हो जाएगी दोस्तों यहां पर दक्षिणी अरावली की, और ये हो जाएगी उत्तरी अरावली की, और यहां पर पूछा है मध्य अरावली का भाग में देखिएगा कौन सा जिला है और कौन से जिले में कौन सी चोटियां है। तो देखिएगा जयगढ़ ये नहीं आती है, जयगढ़ दोस्तों यहां पर ये उत्तर की है। तारागढ़ आती है, अजमेर की है दोस्तों यहां पर, ये मध्य राजस्थान अरावली पर्वत का क्षेत्र है तारागढ़। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। और तारागढ़ की ऊंचाई देख लो 873 मीटर ऊंची है दोस्तों यहां पर, तारागढ़ अजमेर में है। अगला देखिए, यहां पर विश्व का जो प्राचीनतम धर्म माना जाता है वह कौन सा धर्म है? सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या फिर सनातन धर्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सनातन धर्म है दोस्तों यहां पर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर जलवायु के तत्वों में जो शामिल नहीं है वह क्या है? वायुदाब, वर्षा, तापमान या फिर जल प्रवाह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहां पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, जल प्रवाह यहां पर यानी कि जलवायु का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, झारखंड से होकर गुजरती है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 36वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ऑप्शन आपके सामने है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी को दोस्तों यहां पर, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों यहां पर कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके कॉमेंट का दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पश्चिम से चल रही पवन कहलाती है, जो पश्चिम दिशा दिशा से जो पवन चलती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर पछुआ हवाएं कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140वें नंबर का जो वीडियो है दोस्तों यहां पर, वो यहां पर इसी से संबंधित है, यानी कि चक्रवात है, पवन है, इसमें दोस्तों यहां पर ग्रह है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहां पर पृथ्वी से संबंधित है, वो सभी 140वें नंबर के वीडियो में दे रखे है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक कौन था? हीरालाल, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हरिबाऊ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना के अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आप बिल्कुल सही दे रहे हो सभी स्टूडेंट, यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 31 मई 1857 को दोस्तों यहां पर पूरे भारत में 1857 की विद्रोह का एक डेट रखी गई थी दोस्तों यहां पर, लेकिन वहां पर बहुत कमी रहने के कारण दोस्तों यहां पर ये डेट यानी कि अलग अलग डेटों में डिवाइड हो गई थी दोस्तों यहां पर, कहीं पहले हो गया, कहीं बाद में हुआ था, कहीं नहीं हुआ है, इस तरह से हुआ था दोस्तों यहां पर। अगर इस डेट को संपन्न हो जाती है तो दोस्तों यहां पर अंग्रेज पहले 1857 में ही भारत छोड़ के निकल जाते। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अजमेर का राजस्थान में विलीकरण किस वर्ष हुआ था? बताएगा 1947 में, 1948, 1956 या फिर 1965? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहां पर, 1956, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 41वें नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सिक्के, जैन साहित्य, यात्रियों का वृत्तांत या फिर बौद्ध साहित्य? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनके बारे में सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से राजस्थान में मानसून
के प्रत्यावर्ती का समय है, बताइएगा नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से मध्य नवंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर जून और जुलाई में, यानी कि वापस जो लौट कर जाते हैं मानसून, वो किस महीनों में जाते हैं, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक के बीच में दोस्तों यहां पर प्रत्यावर्ती का काल होता है मानसून का। अगला देखिएगा, यहां पर सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा गोकुल भाई भट्ट, मणिकलाल वर्मा, या फिर जयनारायण व्यास, या फिर हरिभा उपाध्याय। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था दोस्तों यहां पर गोकुल भाई भट्ट, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बुशमैन, बद्दू आदि जनजाति किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है, शीतोष्ण मरुस्थल में, उष्ण मरुस्थल में, टुंडा प्रदेश में, टेगा प्रदेश में, तो बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उष्ण मरुस्थल में पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, उसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ध्यान रख लेना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था, कौन था, बेहद राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, सिरोही, या फिर मत्स्य संघ, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर मत्स्य संघ हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अलवर का जो आसपास का जो क्षेत्र था वो महाभारत कालीन का क्षेत्र था दोस्तों यहां पर, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान कौन सा था, बताइएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, या फिर लोथल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ये कौन सा स्थल था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर कन्या भ्रूण हत्या का कारण है, बताइएगा रूढ़िवादिता, अपरिवक्त मानसिकता, या फिर पुत्र की इच्छा, या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, यहां पर वर्तमान में हमारे देश में नियोजन का कार्य कौन सी संस्थान कर रही है, योजना आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर नीति आयोग। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, नीति आयोग यहां पर नियोजन का कार्य करता है दोस्तों यहां पर भारत में। देखिएगा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट पीडीएफ के लिए बोलते हैं मेरे को, भाई आपके लिए पीडीएफ के लिए क्वेश्चन तैयार किए गए और वो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों यहां पर। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं मेरे को पर्सनल मैसेज करके कि भाई कितने भी रुपए ले लो लेकिन पीडीएफ दे दो, भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपका सिलेक्शन चाहिए बस मुझे, तो इतना दे दीजिए, आपका सिलेक्शन दे दीजिएगा भाई, पैसा जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों यहां पर। और आपको पीडीएफ चाहिए, प्रश्न चाहिए, जो भी आपको यानी कि 20 से 25,000 प्रश्न चाहिए दोस्तों यहां पर, वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों यहां पर। जयपुर से बहुत सी संस्थाएं मेरे से जुड़ी थी दोस्तों यहां पर, उन्होंने मेरे को पहले भी बोला था कि आप यहां पर आ जाओ, यहां पर काम करो, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मैंने उनके साथ काम करना मना कर दिया है दोस्तों यहां पर। क्यों कर दिया, इस कारण किया था क्योंकि पैसा जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। अगर पैसे के लिए जो पीछे पड़ गया वो अच्छी तरीके से स्टडी नहीं करा सकता है दोस्तों यहां पर। अगर पैसे के लिए कोई टीचर पढ़ाता है तो वो यहां पर शिक्षा नहीं कहलाती है दोस्तों यहां पर, वो व्यापार हो जाता है, बिजनेस हो जाता है दोस्तों यहां पर उसका। और मैं नहीं चाहता हूं कि अपनी जो शिक्षा प्रणाली है वो एक बिजनेस में परिवर्तन हो दोस्तों यहां पर। मैं केवल और केवल आपका सिलेक्शन चाहता हूं दोस्तों यहां पर, जितना हो सके आपका सिलेक्शन हो, अधिक से अधिक स्टूडेंटों का मेरे यूट्यूब चैनल से सिलेक्शन हो दोस्तों यहां पर, आगे बढ़िएगा दोस्तों यहां पर। तो प्लीज सबके लिए जो प्रश्न है वो फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों यहां पर, आ जाइएगा पिंकेश मीना टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों यहां पर, उसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी दोस्तों यहां पर, जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों यहां पर। और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहां पर। पैसा जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। हाँ एक बात है मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, देखिएगा महीने में दोस्तों यहां पर एक भूखे व्यक्ति को आप खाना जरूर खिला दो, बस मेरी तो इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कहीं पर भी आप स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको वहां पर भूखे व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे, जिसको एक टाइम का खाना नहीं मिलता है दोस्तों यहां पर वो बहुत मिल जाएंगे आपको वहां पर। केवल 10 रुपए 20 रुपए जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों यहां पर। आप उनके लिए दोस्तों यहां पर एक टाइम का लिए महीने में एक
एक टाइम का उसको खाना खिला दो बस, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। यहाँ पर आपके परिवार वालों के लिए आपकी अंतरात्मा इतनी अंदर से इतनी प्रसन्न होगी दोस्तों, यहाँ पर बहुत प्रसन्न होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कलिंग विजय किसने की थी बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर सेलुकस ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक ने की थी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया था बताइएगा, ब्रह्मीर या फिर ब्रह्मगुप्त या फिर धनवंतरी या फिर आर्यभट्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आर्यभट्ट, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन जब 44वां हुआ था तो यहां पर संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है बताइएगा, जूट, मूंगफली, सरसों या फिर तरबूज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि की जो फसल है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरसों हो जाएगी। अगला देखिएगा, यहां पर पद्मावत का लेखक कौन था, रस खान, अब्दुल रहीम, अबुल फजल या फिर मलिक मोहम्मद जायसी? तो आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है बताइएगा, ईश्वर की प्राप्ति, संसार में सर्वोच्च स्थान, कर्म के बंधन को तोड़ना या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कर्म के बंधन को तोड़ना दोस्तों यहां पर, यह जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख रास्ता है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने संसार में जन्म क्यों लिया है, हमने संसार में जन्म इस लिया है क्योंकि जो हमारी अंतर आत्मा है, जो परमात्मा है दोस्तों यहां पर, उसको अच्छे कर्मों के जरिए हम उसको परमात्मा में मिला सके दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म के बंधन को तोड़ना, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के किस किले पर अंग्रेजी अधिकारी जनरल लॉर्ड लैंक ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु असफल रहा था बताइएगा, बाला किला, अलवर, अचलगढ़ आबू या फिर लोहागढ़, भरतपुर या फिर मांडलगढ़, भीलवाड़ा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़, भरतपुर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। इसको उड़ाने का दोस्तों यहां पर 5 बार असफल प्रयत्न किया था, किसने किया था, जनरल लॉर्ड ने, लैंक ने, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 56वें नंबर का क्वेश्चन है, हर्ष किस वंश का शासक था बताइएगा, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, कुषाण वंश का या फिर पुष्पभूति वंश का? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर पुष्पभूति वंश का था हर्ष, और हर्षवर्धन के शासनकाल में जो यात्री आया था उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों यहां पर। हर्ष ने कहां पर शासन किया था, ये करनाल, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था, और हर्ष की मृत्यु कब हुई थी, 647 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के किस जिले से टंगस्टन का उत्पादन होता है, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार या फिर कोई सीमा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, यहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है बताइएगा, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत रूप से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति को। देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में लेता है विधानसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लेते हैं दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60वें नंबर का क्वेश्चन, बैंकिंग प्रणाली का क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्य है, नोट निर्गमन करना, जनता से सीधा धन जमा कराना, जनता को ऋण देना, उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर नोट निर्गमन करना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का।
तो इस तरह से आप लोगों ने ये पेपर पूरी तरह से क्रैक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर अब बताएगा कि 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने 40 प्रश्नों से प्लस कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, तो आपकी लगभग अच्छी तैयारी है दोस्तों यहाँ पर। अब इस तैयारी को आपको यहाँ पर 50 प्लस लेके चलना होगा दोस्तों यहाँ पर। और अगर 40 से कम कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक बार कोर्स रिवाइज करना होगा, जो कि वीडियो देख रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे केवल 70 से लेके और 140 वीडियो तक आपको देखने होंगे। और ये वीडियो इतने बड़े नहीं है दोस्तों यहाँ पर, इसमें आपको यहाँ पर आपका टाइम बर्बाद भी नहीं किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर 70 प्रश्न आपको यहाँ पर 30 मिनट के आसपास कराए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि इस 30 मिनट को कम करने के लिए, तो आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आप एक बार कोर्स कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अब जो चीज आने वाली है आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर, उस पर ज्यादा फोकस रखना होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो 45 वीडियो आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, 1 से लेकर 45 तक दोस्तों यहाँ पर, उस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो उसी से पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। इसका मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो डालने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमारे प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। हमारे प्रश्न है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी बुक में, पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के, वो मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, वो मैंने डाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए, आपको पता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित 2011 या 12 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही एग्जाम में। और देखिएगा 2018 में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 की में, 15 की में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 11 की में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 12 में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों यहां पर। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से करना, उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं अलग कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, उसके बाद अलग, यानी कि टोटल आपको पता है SST में 110 कॉन्सेप्ट है। उस 110 कॉन्सेप्ट को दोस्तों यहां पर मैं 45 वीडियो में कवर करना चाहूंगा दोस्तों यहां पर। अब तो प्लीज वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। शेयर का ऑप्शन आपके पास दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर चैनल को, आपके अपने यूट्यूब चैनल को, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।